तो आह्वान की आज के एक्ट की आखिरी परफॉर्मेंस आपके लिए एक शानदार जानदार परफॉर्मेंस। चुनाव 19 चलो एंजॉय कीजिए। चल फोन कर रहा है पिटेगा ये। नमस्कार आपके साथ मैं कविता लंबा न्यूज ग्रुप से। हम आपकी लाइन 19 में हमारे नेता ने रेवेड़ा से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आज नामांकन में दूसरे नेता भी रेवेड़ा पहुंच चुके हैं। काफी कड़ी सुरक्षा की गई है तो देखा आपने जहां नामांकन होगा वहां हमारे नेता जी बताएंगे रेवेड़ा की जनता को कि क्या विजन लेकर आए हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा रेवेड़ा दुल्हन की तरह सजाया गया हो। अब देखना यह है कि क्या दिल्ली का रास्ता रेवेड़ा से गुजरकर जाएगा। कैमरामैन राजेश कटारा के साथ कविता गंगा न्यूज कल तक। रिपब्लिक पार्टी जिंदाबाद। रिपब्लिक पार्टी जिंदाबाद। महेंद्र लोधी जिंदाबाद। महेंद्र लोधी जिंदाबाद। भाई और बहनों मैं जरा पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपसे वाय वाय कर रहा हूँ? क्या आप हाथ नहीं उठा सकते? मुझे जवाब चाहिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ मित्रों, भाई और बहनों, रेवेड़ा के समृद्धि के लिए, भाई और बहनों, रेवेड़ा के समृद्धि के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्प है। भाई और बहनों, मित्रों, मैंने बच्चों को पढ़ाई के लिए, युवाओं को कमाई और किसानों को शिक्षाई और भाई और बहनों कुमारों को लुगाई दिए जाने पे हमारी सरकार बल दे रही है। मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों, किसी भी क्षेत्र में उसके विकास के लिए उसकी कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। भाई और बहनों, मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि रेवेड़ा के सड़कों के निर्माण के लिए, मित्रों, रेवेड़ा के सड़कों के निर्माण के लिए मैंने 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। 500 करोड़ मित्रों, इसके अलावा भाइयों बहनों, इसके अलावा मैंने रेवेड़ा के लिए वंदे मातरम और हम सफर ट्रेनों का उद्घाटन किया है। मेरे प्यारे भाइयों मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ट्रेनें रेवेड़ा से मुड़िया और रिठौरा होते हुए सीधे नई दिल्ली को जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों मित्रों, पिछली बार सन 2009 में, भाइयों बहनों, पिछली बार सन 2009 में जब मैं रेवेड़ा आया था, मैं आपको आज याद दिलाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ की जनता को एक इंजीनियरिंग कॉलेज देने का वादा किया था। भाइयों बहनों, सन 2009 में मैंने रेवेड़ा की जनता को एक इंजीनियरिंग कॉलेज देने का वादा किया था। और भाइयों बहनों, मैं आज आप तक पहुंचना चाहता हूँ, मुझे जवाब दीजिए कि रेवेड़ा का ये इंजीनियरिंग कॉलेज आज भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में आगे बढ़ रहा है। मैं 125 करोड़ देशवासियों से जवाब चाहता हूँ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मुझे जवाब दीजिए। भाइयों बहनों, मुझे जवाब दीजिए। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मुझे साथ दीजिए, मुझे वोट दीजिए, मुझे आपका साथ चाहिए। मैं भरोसा दिलाता हूँ, मैं आप लोगों को
विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप मुझे वोट देंगे, आप मेरा समर्थन करेंगे, तो मैं इस लवेड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज को IIT लवेड़ा का नाम दे दूंगा। भाइयो बहनों, लवेड़ा का जो कृषक समाज है, मजदूर समाज है, लवेड़ा की जो गरीब जनता है, भाइयों बहनों, मैंने उनके लिए उनके खातों में डालने के लिए 15 लाख रुपए की योजना बनाई है। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मुझे जवाब दीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ कि योजना सही बनाई या नहीं बनाई, मुझे एक बार जवाब दीजिए आप लोग। भाइयों बहनों, आपने सुना होगा जो पुलवामा में हमला हुआ था, भाइयों बहनों, आपने सुना होगा जो पुलवामा में हमला हुआ था, उन सभी शहीदों के लिए हमारी हमदर्दी है। मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी दोहरा रहा हूँ, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी दोहरा रहा हूँ, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत माता के जय, भारत माता के जय, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र लोधी जिंदाबाद, महेंद्र लोधी। अच्छे दिन की आमद क्यों है, लेट बताओ लोधी जी, दिए गिनके लेट बताओ लोधी जी। और मंदिर कब बनवाओगे, और मंदिर कब बनवाओगे, डेट बताओ लोधी जी। राफेल में गड़बड़ है, इसका रेट बताओ लोधी जी। और काले धन का बंद कहाँ है, अरे काले धन का बंद कहाँ है, गेट बताओ लोधी जी। रुपया लेकर भाग रहे हैं, सेठ बताओ लोधी जी। और आपके नेता क्यों फैलाते, आपके नेता क्यों फैलाते, हेट बताओ लोधी जी। अब तब से भरा नहीं है इनका पेट, और बताओ लोधी जी। वो भी जाए, इस बार ऐसा लग रहा है कि इतिहास अपने आप को दोबारा दोहरा रहा है, पार्टियां वही है, उनके चेहरे बदल गए हैं। अभी हाल में ही संपन्न उपचुनाव ने 2019 की राजनीति को बड़ा ही दिलचस्प बना दिया है। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ गठबंधन के प्रमुख नेता जी को, कठोर सिंह यादव। कठोर सिंह यादव जिंदाबाद, कठोर सिंह यादव जिंदाबाद, कठोर सिंह यादव जिंदाबाद। ये जानकारी आपको होने चाहिए, ये पिछले कई महीनों से ये प्रयास चल रहा है, ये अभी देश में कोई गठबंधन हो जाए, अभी देश में कोई महामंत्री आ जाए, और इस देश में कोई महामंत्री बन जाए, अब इस देश में तो बोलेंगे, और इस देश में कोई नया प्रधानमंत्री आ जाए तो मेहरबानी रखते बोली होंगी। और इस देश में कोई नया प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ, रिपब्लिक पार्टी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, रिपब्लिक पार्टी का गठबंधन हो गया है, अब इस देश में प्रधानमंत्री आ जाए तो मेहरबानी रखते बोली होंगी। धन्यवाद देना चाहता हूँ जो देश के लिए किया है और लोकतंत्र के लिए किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कठोर सिंह यादव जिंदाबाद, कठोर सिंह यादव जिंदाबाद, कठोर सिंह यादव जिंदाबाद। गठबंधन कोई जब बनता है, गठबंधन कोई जब बनता है, गठबंधन कोई जब बनता है, थोड़ा सा हुल लगता है, थोड़ी साया लगती है, थोड़ा कालू लगता है,
थोड़ी जमता लगती है। गठबंधन की सरकार जब कोई बनती है सबका हिस्सा होता है, सबकी सेटिंग होती है, पहले मैचिंग होती है बाद में फाइटिंग होती है, पहले मैचिंग होती है बाद में फाइटिंग होती है। अभी न्यूज़ कल तक पर एक बड़ी खबर हमारे बीच आ चुके हैं, खास आदमी के पार्टी रवीन खुजलीवाल, आपका स्वागत है। खास आदमी पार्टी जिंदाबाद, खास आदमी पार्टी जिंदाबाद, रविंद्र खुजलीवाल जिंदाबाद, रविंद्र खुजलीवाल जिंदाबाद। माताओं बहनों, मैं खास आदमी पार्टी रविंद्र खुजलीवाल आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। आप जरा सोच कर देखें, आपको पता होगा महेंद्र लोधी सिंह दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, एक बड़ौदा से दूसरा लभेड़ा से। अगर आपने महेंद्र लोधी जी को चुनाव जिता दिया तो देश में भूचाल आ जाएगा और लभेड़ा का नाम इतिहास में लिख जाएगा। जय हिंद जय भारत। रविंद्र खुजलीवाल जिंदाबाद, रविंद्र खुजलीवाल जिंदाबाद। बापू से अकड़ के चाचा जी से लड़के माथे को पकड़ के डिसीजन ले लिया, लोधी जी से डर के ट्रैक से उतर के हाथी का मोटरसाइकिल से कनेक्शन ले लिया, मुद्दे बोला के चक्कर चलाया, कुर्सी मिलेगी है दुआ, भतीजे की हो गई है बुआ, 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 आएंगे जम के माल बुआ, मिलके भतीजे और बुआ, भतीजे की हो गई है बुआ, भतीजे की हो गई है बुआ, भतीजे की हो गई है बुआ। भाइयों बहनों मित्रों, आपने देखा होगा कि यहाँ पे अलग अलग पार्टियों के नेता आए थे। मित्रों भाइयों बहनों, सबने अपने अपने भाषण दिए, सबने कहा हमें वोट दे दिए, उसने कहा हमें वोट दे दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे जवाब दे दिए कि आपको किसे वोट देना चाहिए। भाइयों बहनों, आप उसे ही वोट दीजिए जिसको देने के लिए आपका दिल करे। भाइयों बहनों, किसी भी पार्टी के पक्ष में मत जाइए। भारत माता के वंदे मातरम। भाइयों बहनों, बहुत बहुत नमस्कार।